बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद विवाद गहराता चला जा रहा है। धीरे धीरे ये विवाद अब बढ़ता गया है और आपको बता दें कि जिस प्रकार से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, तमाम जो लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग जातियों के नेता की अगर बातचीत करें तो अपने जातियों के लिए वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हुए दिख रहे हैं। चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत करें, जीतन राम मांझी की चर्चा करें, या फिर अगर हम बात करें मुकेश सहनी की, तो अपने अपने जातियों के आधार पर जिस प्रकार से वो आवाज़ उठा रहे हैं और इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से फर्जी बता रहे हैं। भाजपा ने पूरा इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कल से जब से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है, तब से बीजेपी इस स्थिति में लगी हुई है कि क्यों जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट है, जिसमें जातियों की प्रतिशत और जो संख्या है उसको क्यों कम बताया जा रहा है। कई जगहों से उपेंद्र कुशवाहा को फ़ोन आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से कि जितने सारे लोगों ने फ़ोन किया है वो इस बात की ही चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पास जो गणनाकर्मी थे वो पहुंचे ही नहीं थे। तो आखिरकार ये रिपोर्ट कैसे चला दिया गया, क्यों रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर दिया गया, किस तरीके से, किस आधार पर किया गया है। तो कहीं ना कहीं विवाद जो है वो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट में बढ़ती चली जा रही है। देखिए, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का धन्यवाद किया, आज सर्वदलीय 9 दलों की बैठक थी, इस बैठक में जीतन राम मांझी भी पहुँचते हैं। बीजेपी की तरफ से बिहार विधानसभा हो या विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष है, विजय सिन्हा या फिर हरी सैनी जो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी पहुंचे हुए थे और अपनी अपनी राय उन्होंने रखी है। चिराग पासवान ने भी जाति आधारित जनगणना को लेकर के नीतीश सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो यादव और मुस्लिम जिसको जो प्रतिशत बताया जा रहा है बिहार में, उसको लेकर के भी बड़ा सवाल चिराग पासवान की तरफ से खड़ा किया गया है। हम आपको सुनाते हैं चिराग पासवान जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जब आई है तो उस पर अपनी क्या राय रख रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कम कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और हम लोग मानते हैं कि अभी भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साधकर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि पुनः जातीय जनगणना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इस प्रोसेस की जानकारी सबको हो, ताकि सही जानकारी आबादी से, हर जाति की आबादी से जुड़ी हुई सही जानकारी जनता के सामने आ सके। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।